राजनीतिक दलों ने आखिरी दौर के प्रचार के लिए पूरा जोर लगा दिया है। जुबानी जंग के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही फंस गई। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी को कड़ी चेतावनी दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी को लेकर पक्षपात करने का इल्जाम लगा रही थी, तो वहीं अब चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर हाल ही में कुछ पोस्ट शेयर की, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने बीजेपी को कड़ी चेतावनी दे दी है। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के दखल देने के बाद बीजेपी की राज्य इकाई ने अपने इंस्टाग्राम से 3 आपत्तिजनक पोस्ट हटाए हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना कंगाले ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा, भविष्य में पार्टी के जरिए इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर ना डाली जाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 15 मई को एक पोस्ट डाली थी। पोस्ट में एनिमेटेड वीडियो के जरिए हरे कपड़े और गोल टोपी पहने एक शख्स को एक महिला से लूटपाट करते दिखाया गया था। महिला मदद के लिए आवाज लगाती है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कैरिकेचर उड़कर आता है और वो महिला से पर्स छीनकर एक आदमी को दे देता है। बीजेपी के तीसरे पोस्ट में एनिमेटेड वीडियो के जरिए दिखाया गया था कि राहुल गांधी एक बड़े अंडे को, जिस पर मुस्लिम लिखा हुआ था, उसे कुछ छोटे अंडे को, जिन पर एससी एसटी और ओबीसी लिखा हुआ था, उनके साथ एक घोंसले में रखते हैं। वीडियो में दिखाया गया कि जिस अंडे पर मुस्लिम लिखा हुआ था उससे निकलने वाला बच्चा बड़ा हो जाता है और बाकी अंडों को घोंसले से बाहर धकेल देता है। चुनाव आयोग की तरफ से चेतावनी मिलने के बाद मजबूरन बीजेपी को ये तीनों पोस्ट हटानी पड़ी। कांग्रेस ने इस तरह की पोस्ट करने के लिए बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। बता दें कि कांग्रेस शुरुआत से ही बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाती रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।